क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन सिस्टम दशकों में अपनी सबसे बड़े रिव्यू से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सुधारों की पहचान करने, उम्र बढ़ने वाली आबादी जैसी चुनौतियों का समाधान करने और हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स को आकर्षित करने के काम के साथ गुजरने के लिए तैयार है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती टेम्पररी माइग्रेंट्स की बढ़ती संख्या के लिए परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के लिए साफ रास्ता बनाना है। ये एक कठिनाई पैदा करता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी माइग्रेंट्स की संख्या अब उपलब्ध परमानेंट वीज़ा की संख्या से ज़्यादा हो गई है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी लॉन्ग टर्म टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता देना संभव नहीं है क्योंकि एक कैप्ड परमानेंट प्रोग्राम के साथ एक अनकैप्ड टेम्पररी माइग्रेशन प्रोग्राम चलाने के लिए ट्रेड ऑफ की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.9 मिलियन लोग या 7% आबादी काम के अधिकारों के साथ टेम्पररी वीज़ा पर रह रही है, जबकि लगभग 680,000 न्यूजीलैंडर्स हैं जो ऑटोमेटिकली वीज़ा पा सकते हैं। अन्य 1.2 मिलियन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेम्पररी स्किल्ड वर्कर्स और वर्किंग हॉलिडे मेकर्स शामिल हैं, जिसमें दिए गए टेम्पररी वीज़ा की संख्या प्रस्तावित परमानेंट वीज़ा की सीमा से ज़्यादा है। 2019 में मॉरिसन सरकार द्वारा परमानेंट वीज़ा की सीमा को 1,90,000 से घटाकर 1,60,000 कर दिया गया था, जिसे अल्बनीज सरकार ने 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए बढ़ाकर 1,95,000 कर दिया है। कई टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हैं, लेकिन टेम्पररी रेजिडेंस के लिए इच्छुक परमानेंट रेजिडेंसी की बढ़ती संख्या का मतलब है कि इंतजार का समय बढ़ रहा है और सफलता की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। जबकि 2008 में लगभग 42% माइग्रेंट्स को टेम्पररी स्किल्ड वीज़ा दिए गए थे, उन्हें 4 साल के अंदर परमानेंट वीज़ा मिले थे, जो 2014 में आने वालों के लिए घटकर 36% हो गया। इसी तरह 2007 में लगभग 25% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 6 साल में परमानेंट रेजिडेंट्स बन गए, जो 2012 में आने वालों के लिए 12% तक गिर गया था। परमानेंट रेजिडेंसी के अस्पष्ट और लंबे रास्ते की पर्सनल और सोशल कॉस्ट्स होती हैं, क्योंकि वे माइग्रेंट्स के जीवन और करियर को खराब करते हैं, जिससे वे कम प्रोडक्टिव बन जाते हैं। और फिलहाल एम्प्लॉयर्स भी टेम्पररी वीज़ा पर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए अनिच्छुक हैं, जिससे उनकी नौकरी की संभावनाएं और कमाई की संभावना प्रभावित होती है। हर लॉन्ग टर्म टेम्पररी माइग्रेंट को परमानेंट वीज़ा की पेशकश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट इनटेक में भारी वृद्धि की जरूरत होगी, जो संभव नहीं है। टेम्पररी वीज़ा की सीमा तय करने से हाउसिंग पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन ये कुछ एम्प्लॉयर्स के लिए कठिन भी हो सकता है, और इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज को फीस भरने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कम हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देश की लॉन्ग टर्म सक्सेस में योगदान देने की उनकी क्षमता के आधार पर युवा स्किल्ड माइग्रेंट्स को परमानेंट वीज़ा के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए, और परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते ऑटोमेटिक या इस पर आधारित नहीं होने चाहिए कि टेम्पररी माइग्रेंट्स कितने समय से ऑस्ट्रेलिया में हैं। फिलहाल की परमानेंट स्किल्ड वर्क वीज़ा देने की पॉलिसी ऑक्यूपेशन पर आधारित है, लेकिन इसे इस रूप में बदला जाना चाहिए कि क्या माइग्रेंट्स हर साल कम से कम $85,000 कमा सके। ये टेम्पररी माइग्रेंट्स और उनके एम्प्लॉयर के लिए ज्यादा स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करने के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हायर और स्पॉन्सर करना आसान बना देता है। एक और सुधार टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेंट्स को किसी भी ऑक्यूपेशन में काम करने की इजाज़त देना होगा, बशर्ते वे हर साल $70,000 से ज्यादा कमाते हों, जिससे वे परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने से पहले ऑस्ट्रेलिया में अपने स्किल्स और करियर्स का फैसला कर सके। पॉइंट्स टेस्टेड वीज़ा के लिए एक बेहतर सिस्टम बनाने से भी बहुत मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल कई स्टूडेंट्स परमानेंट रेजिडेंसी को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। पॉइंट्स टेस्टेड वीज़ा पेश किया जाना चाहिए जहां पॉइंट्स केवल उन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एलोकेट किए जाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स की भविष्य की सफलता की ओर इशारा देती हैं। माइग्रेशन सिस्टम का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए साफ रास्ता बनाना होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई जो रहना चाहता है वह ऐसा कर सकता है। कम स्किल्ड वर्कर्स के लिए नए टेम्पररी वीज़ा प्रोग्राम से बचना चाहिए, क्योंकि वे भविष्य में और ज्यादा परमानेंट वीज़ा की मांग को बढ़ाते हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें।
और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।